जगदीश बाबू के आने के बाद मंच पर तो हमरा के कौन सा बेटा है कम अनार से चदर वो हो जाते ये देवधा में ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये उत्तर बिहार सेवा समिति देवधा के द्वारा जयंती मनाई जा रही है। जी जी सरदार पटेल जी उत्तर बिहार सेवा समिति के द्वारा देवधा जी है वो सरदार बहुत अच्छे पहल की शुरुआत की गई। भारत रत्न हमारे जो प्रथम गृह मंत्री थे उनकी जयंती समारोह का आयोजन किया गया उनके द्वारा। हाँ इसमें इनके द्वारा जो है सरदार पटेल को याद किया ही गया है, साथ ही जो गरीब लोग थे उनको भी मतलब कम्बल चादर का वितरण किया गया, वो एक बहुत ही सराहनीय कदम है। सर ये जो आयोजक है सर देवधा की समिति जो है सेवा समिति उसको आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के लिए? इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर बिहार सेवा समिति के द्वारा जो यह आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं पुण्यतिथि रखा गया है और इस सभा के माध्यम से बहुत सा कार्यक्रम हुआ है छात्र छात्राओं का जिसे पुरस्कृत किया गया है। मैं उन अभिभावकों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि गांव से भी लोग आगे बढ़ता है और अपने बच्चे को उचित शिक्षा दे इस माध्यम से यही मैं कहना चाहूँगा। और इस सेवा समिति के सब सदस्य के बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम समाप्त भ रहा है ताहि दुआरे ई सरकारी योजना नहीं चले अपने सब हल्ला करे छी कोई सरकारी योजना नहीं चले ताहि दुआरे जिनका मिलल सो ठीक जिनका नहीं मिलल वो आगे आवे वाला समय में समिति से संपर्क कैल जेते अपने सब मतलब की कहे छी एमे अपना तफरी नहीं करियो। और मैं इतना खुश हूँ जो उत्तर बिहार सेवा समिति के जो हमारे जो भी टीम है मैं इतना खुश हूँ जो अभी पटना से चल करके मैं देवधा की पवित्र भूमि पर आया हूँ इन लोगों को शुभकामना आशीर्वाद देने के लिए। यह जो कार्यक्रम है लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का 144वीं जयंती के शुभ अवसर पर यह पखवाड़ा समारोह मनाया जा रहा है तो यहाँ आ करके हम अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। यहाँ जो देखे हैं चाहे वो गरीब हो चाहे आँख से अंधा हो चाहे विकलांग हो यहाँ सबों के लिए चादर की व्यवस्था किया गया है और सबको जो है ना आप देखे हैं सबको जो है ना ये उत्तर बिहार सेवा समिति जो है सर जी इस समिति में आपकी क्या भूमिका है? जी मैं इस संस्था का सचिव हूँ। आप सचिव? मेरा नाम श्याम कुमार साहू हुआ। आज का जो ये कार्यक्रम हुआ है जी इसका जो आयोजन हुआ जी तो ये कहाँ से अरेंज हुआ? ये हमारे जो दाता हैं वो दाता से ही सहयोग मिला। आपको सहयोग मिला था जी? उत्तर बिहार सेवा जो है वो भी अच्छा कार्यक्रम करे हैं और गरीब गुरबा और जो विकलांग है उस सब को जो इतना जो अपने असर से जो बांटे हैं उसको मैं बधाई दे रहा हूं और शुभकामना दे रहा हूं। मैं पिछले बार भी 3 बार आ चुकी हूँ जो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती थी उसमें भी हम भाग लेते थे या गीत हो या भाषण हो प्राइज से सम्मानित हो या प्रोत्साहन हो सम्मानित होकर इस देवधा से जाते थे और आज भी हमें बहुत खुशी हुई है कि मैं देवधा में आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है। गीत गाने की भी मौका मिली है जिसपे मैं बेटी के प्रोत्साहन पे एक गीत गाई हूँ। कुछ पुरस्कार भी मिला है तुमको? नहीं सर प्रोत्साहन मिला है। प्रोत्साहन मिला बाबू आप नाम बता दो। मेरा नाम सिमरन कुमारी है। आप बता दो नाम। संजना कुमारी। आप बोलिए। चांदनी कुमारी। आप बोलिए। रोनी कुमारी। कुमारी पल्लवी रानी। कंचन कुमारी। कंचन कुमारी। सब लोग इसी की टीम है? यस। 144वीं लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई की जयंती पखवाड़ा के लिए मैं ही मैनेजमेंट किया हूँ सारी व्यवस्था मेरे द्वारा ही किया गया है। तो एक चीज और बताइए आप। कार्यक्रम 2007 से ही हम चला रहे हैं जी। इससे पहले
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती कार्यक्रम हुआ करता था यहाँ पर। इस बार श्री नरेंद्र मोदी जी की वाणियों के सुनकर मैं प्रेरित हुआ, सरदार वल्लभ भाई के बारे में मैं थोड़ा विस्तार से जाना, तो मैंने सोचा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को तो बहुत लोग जानते हैं, बहुत कार्यक्रम हम कर दिए हैं, लेकिन जो तो मैं ना, ये तो भारत को 565 राजवाड़ों को एक सूत्र में बांधने वाला, भारत माता की जय करने वाले असली नायक तो महानायक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, तो मैं क्यों ना इनकी जयंती मनाया जाए, यही सोच करके मैंने इनकी जयंती। थैंक यू।